हम जो परंपरागत खेती चली आ रही थी, सोयाबीन वगैरह ये करते थे, तो फसलों में प्राकृतिक नुकसान का ऐसा खतरा थोड़ा बना रहता था, जिसके बाद में हमने कंदीय फसलों के ऊपर ध्यान दिया और बड़ी मात्रा में एक जैविक लहसुन बोने की तैयारी की है। और इस साल लगभग 26 बीघे में इस फार्म का लहसुन है विवेकानंद जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पे, और बहुत अच्छी पैदावार हमारे सामने आई है। जैसे जैसे फिर हम कृषि विभाग है, फलोद्यान विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, तो उनका यह सुझाव था कि क्यों ना आप इस जैविक कृषि को वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के आधार पर आप विकसित करें। तो हमने उसके साथ साथ इसके पानी की बचत के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया है और स्प्रिंकलर सिस्टम से हम इसमें पानी देते हैं। बगीचों की कटाई छंटाई सब व्यवस्थित तरीके से करने से इस साल ये प्रयोग सामने आया है कि जहां रासायनिक खेती होती है वहां पर संतरे के बागों में काली मसी का ज़बरदस्त प्रकोप दिखने में आया है, और हमारे गांव में कुछ ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो इस प्रकार हमें जैविक खेती से जो प्रथम बार में नुकसान हुआ है, पर्यावरण पॉल्यूशन सुधरने के वजह से अनेक व्यवस्थाएं हमारी अपने आप सुधरती चली गई है, ये मैं एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। और इस साल अभी हम प्याज थोड़ा बड़ी मात्रा में किया है, फसलों के बीज की तैयारी, हम जैसे प्याज के बीजों की तैयारी ये जो अभी सामने ही है यहाँ पे बीज तैयार कर रहे हैं, और अभी 1 हेक्टेयर की जैविक मिर्च का प्रदर्शन हमने चालू किया है। अभी कुछ दिन के बाद अभी मतलब 22 अप्रैल तक हम इसका पौधरोपण करेंगे। और एक उदाहरण हम पेश करना चाहते हैं कि जैविक मिर्च का उत्पादन वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को साथ में लेके किस तरह से हम एक सफल खेती मिर्च की कर सकें, ऐसी हमारी धारणा है।